ठीक है, तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन स्टेट्स को एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज देख रहे हैं। अगर हम एरिया वाइज इंडियन स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान नंबर वन एरिया वाइज, देन MP, देन महाराष्ट्र, देन UP एंड देन जम्मू एंड कश्मीर, और सबसे जो छोटा स्टेट है एरिया वाइज दैट इज़ गोवा 29 स्टेट। पॉपुलेशन वाइज देखें तो UP इज़ नंबर वन, नियरली 20 करोड़ पॉपुलेशन है। कंट्रीज़ की बात करेंगे तो चाइना इज़ नंबर वन ना, इंडिया इज़ नंबर टू, USA इज़ नंबर थ्री, इंडोनेशिया इज़ नंबर फोर, देन ब्राज़ील इज़ नंबर फाइव, एंड आफ्टर ब्राज़ील UP इज़ देयर बेटा। सो यू कैन इमेजिन कि UP की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, कंट्रीज़ को टक्कर दे रहा है। अच्छा, नंबर सेकेंड महाराष्ट्र, नंबर थ्री बिहार, नंबर फोर वेस्ट बंगाल, नंबर फाइव MP पॉपुलेशन वाइज, एंड द लीस्ट पॉपुलेशन इट इज़ इन विच स्टेट, सिक्किम। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज़ का क्वेश्चन इस बार NDA में आया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बेटा। एरिया वाइज अंडमान निकोबार इज़ नंबर वन, लीस्ट एरिया इज लक्षद्वीप, पॉपुलेशन वाइज नंबर वन इज़ दिल्ली एंड नंबर लास्ट इज़ लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप इज़ बोथ लीस्ट एरिया वाइज एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज। तो ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल से एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछा गया था कि सबसे यूनियन टेरिटरी में लीस्ट एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट है। सो द आंसर वॉज लक्षद्वीप, फोर ऑप्शन वर गिवन टू यू, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर लिया सभी ने। अब हम देखते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज और कितने इंडियन स्टेट्स उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बेटा, क्योंकि आप लोग सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हो, यू शुड नो अवर बॉर्डर्स एंड यू शुड नो द स्टेट्स जो बॉर्डर्स शेयर कर रहे हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी डन, मेरे ख्याल से मैंने एक बार ऑलरेडी मैं बच्चों को करा चुका हूँ, सो इट विल बी काइंड ऑफ रिविजन। लेकिन ये जो नए बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, याद रखना बेटा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेनली आप लोगों की पोस्टिंग इन्हीं स्टेट्स में होने वाली है, क्योंकि ये सारे बॉर्डर एरियाज़ हैं। और यंग जब आप एज ए लेफ्टिनेंट जाओगे तो आपकी तो सारी बॉर्डर एरियाज़ में ही होगी पोस्टिंग, ठीक है। हाँ ठीक है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया भी कवर करेंगे और वेस्टर्न पार्ट भी कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कितने हमारी नेबरिंग कंट्रीज है दैट ऑल्सो यू शुड नो, ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर से यू शुड नो कि कौन कौन से इंडियन स्टेट्स उनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हेडिंग डालना नेबरिंग कंट्रीज, इसे मिटा दूँ। इससे कितने क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसको ग्राफिकल देखना बहुत ज़रूरी है एटलस में, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन को भी रिलेट कर सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि छत्तीसगढ़ के साथ और कितने स्टेट्स का बॉर्डर टच होता है ना, ऐसे स्टेट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और वो नंबर्स में पूछेगा 5 states, 6 states, 7 states, 8 states, ठीक है। तो वो आपको ग्राफिकली दिमाग में सेट होना चाहिए कि आप इमेजिन कर सकते हो, अच्छा वो है, अच्छा टोटल 7 states हो रहे हैं, तो 7 इज़ द राइट आंसर ना, व्हाट माय पॉइंट, ठीक है। तो आपने ऐसा एटलस को ऐसे देखना है। अच्छा, उसके अलावा अब हम करने वाले नेबरिंग कंट्रीज़, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे डिफेंस एक्सपीरियंस के, क्योंकि दे शुड नो आर बॉर्डर एरियाज बेसिकली। तो नेबरिंग कंट्रीज़ देखते हैं पहले हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। सो फॉर दिस आई ओनली ड्रॉ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन वही है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेबरिंग कंट्रीज की, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा क्लॉकवाइज लेंगे ऐसे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा पाकिस्तान। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली हमारा बॉर्डर है, सभी को मालूम है, ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ भी है बेटा, वी शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको फिगर को और अच्छा बना लूँ, चलो ठीक है, ओके ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर हम लोग अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर है ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, अफगानिस्तान, और ये 80 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है इस बॉर्डर का, हाँ इसको हम वखान बॉर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वखान बॉर्डर, ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। 80 किलोमीटर का बॉर्डर है, हाँ, लेकिन इट लाइज इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ना। आई शुड शो यू द रियल मैप ऑफ इंडिया ऑल्सो, अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखना इसको, मैं अभी वैसे ड्रॉ नहीं करूँगा, आपको सिर्फ मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं उसको मिटा दूँगा, आप देख लेना। अगर मैं बात करूँ रियल मैप के ना बेटा, सो दिस इज़ द कंडीशन,
ठीक है, यहाँ पर हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, इतना एरिया हमारा क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस एरिया हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान एंड दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई चाइना, सो दिस इज चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर. This line is known as LOC, line of control, and this line is known as line of actual control, LAC. ठीक है, so this is the real map. अगर आप इस border की बात करो तो ये border क्या है बेटा, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है. ठीक है, तो आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि सर द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया अगेन लाइज इन POK, सो वाई वी से इट दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज बेटा दे हैव इलीगली ऑक्यूपाइड इट, उन्होंने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है, हम इसको इंडिया का ही पार्ट मानते हैं अभी भी. ठीक है, ये भी इंडिया का पार्ट है, पाकिस्तान उसको अपना पार्ट मानता है, हम उसको अपना पार्ट मानते हैं. ठीक है, तो एक तरीके का ये एक तरीके का लैंड डिस्प्यूट है या बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो कहते हैं ये लैंड एरिया हमारा है, हम कहते हैं हमारा है. ठीक है, तो ये एक लैंड डिस्प्यूट है जो कभी रिजॉल्व नहीं हो सकता, रिजॉल्व तब होगा जब हम सुपर पावर बन जाएं. ठीक है, लेटर ऑन देन वी कैन रिजॉल्व इट, जब हमारा दबदबा अच्छा हो और कंट्रीज़ में भी, नहीं तो और कंट्रीज़ हम पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा सकती हैं अगर हम अटैक करते हैं इस एरिया को कैप्चर करते हैं तो. ठीक है, तो हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस या बैंस लग सकते हैं इंटरनेशनली, और इंडिया अभी उस स्टेट में नहीं है कि वो सैंक्शंस और उन बैंस को झेल ले, क्योंकि इंडिया इज़ डेवलपिंग ना, इंडिया को और कंट्रीज़ की भी हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए डेवलप करने के लिए. अगर US ने सैंक्शंस लगा दिए हमारे ऊपर तो US ना हमसे ट्रेड करेगा ना हमसे कोई बिजनेस करेगा, अगर रशिया ने सैंक्शंस लगा दिए तो ना रशिया हमारे साथ ट्रेड करेगा ना कोई बिजनेस करेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा डेवलपमेंट और हमारा ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा. तो इसलिए अभी हम लोग ऐसे स्टेप्स नहीं ले सकते हैं, ऐसे स्टेप्स तब लेंगे जब और कंट्रीज़ हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, जब हम सुपर पावर हो, तब और कंट्रीज़ कुछ नहीं कह सकती ना. ठीक है, तो वो बाद की चीज़ें हैं, तो यू शुड नो दिस रियल मैप, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. ठीक है, गिलगिट बल्तिस्तान एंड ऑल अक्साई चीन, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, तो अभी इसको मैं मिटा देता हूँ. ठीक है, तो ये इलीगली ऑक्यूपाइड है तो इसको हम अपना ही पार्ट बताते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये पूरा पार्ट है चाइना का, दिस होल पार्ट इज चाइना, और चाइना का ही पार्ट है तिब्बत, विच इज एन ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ चाइना. ऑटोनॉमस का मतलब है तिब्बत के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपना टाइम जोन भी है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे. ठीक है, उसके अलावा वी हैव नेपाल ओवर हियर, ये तो फ्रेंडली कंट्री है. ठीक है, वी हैव ए फ्रेंडली बॉर्डर विथ नेपाल, देन वी हैव भूटान ओवर हियर, देन वी हैव म्यांमार ओवर हियर, एंड देन वी हैव बांग्लादेश, दिस होल इज बांग्लादेश. ठीक है, बांग्लादेश. ठीक है, सो हाउ मेनी टोटल कंट्रीज, हाउ मेनी टोटल नेबरिंग कंट्रीज इफ यू काउंट, हाँ हाउ मेनी, सेवन. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो वी हैव टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है, और उन नेबरिंग कंट्रीज में अब हम ऑर्डर से पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेट्स. ठीक है, वो ऑर्डर से पढ़ेंगे, पहले मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ, उसको हम लिखेंगे भी अलग से. अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले कौन सा स्टेट है बेटा, गुजरात. तो गुजरात कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ. उसके बाद वी हैव राजस्थान, देन वी हैव पंजाब, ऐसे लिखो शॉर्ट फॉर्म में चलेगा, देन वी हैव JNK. ठीक है, इन JNK के बाद वी हैव दिस, हाँ हरियाणा, अच्छा हिमाचल प्रदेश बेटा, हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता. ठीक है, देन वी हैव दिस स्टेट इज, हाँ यूके मतलब उत्तराखंड, हाँ नॉट यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड. ठीक है, तो अच्छा चलो, अगर मैं बात करूँ सिर्फ पाकिस्तान के, अभी मैंने इतना ड्रॉ कर दिया, अगर मैं बात करूँ सिर्फ पाकिस्तान के, तो कितने इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 बैक टू बैक ऑर्डर से आना चाहिए बेटा आपको, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड JNK. नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आ सकता है या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए आ सकता है. ठीक है, तो जो पहली हमारी नेबरिंग कंट्री है, पहली नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ कितने इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, 4, तो वो नंबर भी लिखूंगा मैं 4 ब्रैकेट में. ठीक है, वो नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं उनके नाम भी लिख लेते हैं ऑर्डर से, गुजरात कॉमा राजस्थान, पंजाब एंड JNK. ठीक है, कोई शक, सो 4 इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विथ
पाकिस्तान. नंबर टू, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की. अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ कितने कितने स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? सिर्फ एक, और उसका नाम भी क्या है? जे एन के. मैंने कहा था बेटा 80 किलोमीटर का बॉर्डर है, 80 किलोमीटर का बॉर्डर है, और इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? वखान बॉर्डर. ठीक है, अब वैसे है तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बट उसको हम इंडिया का ही पार्ट बताते हैं बेटा. ठीक है, तो ये कौन सा बॉर्डर है? वखान बॉर्डर है, ध्यान में रखना. ठीक है, अभी हम लोग माउंटेन पासेस पढ़ेंगे. अभी हम लोग इंडिया को बेटा नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं, पूरा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, नॉर्थ से नॉर्दर्न माउंटेन्स बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. उसमें हम लोग माउंटेन पासेस भी पढ़ेंगे. ठीक है, कुछ आपको नाम भी मालूम होंगे उत्तराखंड के खासकर, और उसके अलावा वो एग्ज़ाम्स में आते हैं कौन से स्टेट में. और यार जैसे सेला पास, लास्ट टाइम सेला पास एग्ज़ाम में आया था. सेला पास कहाँ है बेटा? सेला पास, एस ई एल ए. वेर इज़ दीफू पास? वेर इज़ लिपू लेक? वेर इज़ बारालच्छा? वेर इज़ चंगला? वेर इज़ जोजिला? वेर इज़ खड़दुंगला? खड़दुंगला इज़ वेरी फेमस बेटा, लोग तो खड़दुंगला बाइक भी ले जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं. नहीं पता, चलो उसको अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, अफगानिस्तान क्लियर. नंबर थ्री चाइना पे आते हैं बेटा, चाइना. और ये भी देखेंगे कि कौन सा हमारा नेबरिंग कंट्री सबसे ज़्यादा इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. नंबर थ्री इज चाइना. अच्छा, चाइना के साथ कितने पहले देख लेते हैं ओवरऑल. ठीक है, कितने? तीन. अभी हमने तीन ही मार्क करे हैं, वैसे और भी हैं. यहाँ पर ये कौन सा स्टेट है? हाँ, यहाँ पर भी है सिक्किम. ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट है? ये है सिक्किम. और सिक्किम के बाद यहाँ पर कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, ए आर पी आर लिखूंगा. तो बेटा पांच स्टेट्स हैं, इनको हम हिमालयन स्टेट्स भी बोलते हैं. जे एन के से स्टार्ट करेंगे, हिमाचल प्रदेश, ऑर्डर से उत्तराखंड. उत्तराखंड की लोकेशन सेम है सिक्किम की तरह. नेपाल के इस तरफ क्या है? नेपाल के वेस्टर्न पार्ट में उत्तराखंड है, और नेपाल के ईस्टर्न पार्ट में सिक्किम है. एंड देन फाइनली अरुणाचल प्रदेश. दिस आर द फाइव हिमालयन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विथ चाइना. ठीक है, और जो स्नो लेपर्ड है वो इन्हीं इलाकों में पाया जाता है. स्नो लेपर्ड इन्हीं इलाकों में पाया जाता है. ये उसके पांच फेवरेट हिमालयन स्टेट्स हैं. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ चाइना के, तो टोटल कितने? टोटल पांच, फाइव इंडियन स्टेट्स. ऑर्डर से लिखेंगे तो सबसे पहले जे एन के, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, एंड फाइनली अरुणाचल प्रदेश. ए आर पी आर लिखूंगा बेटा मैं. ठीक है, इन शॉर्ट ए पी फॉर आंध्र प्रदेश, ए आर पी आर फॉर अरुणाचल प्रदेश. कोई डाउट? ऑर्डर से, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे ऐसे इसको रटना नहीं बेटा, ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आपका ग्राफिकली. मतलब अगर मैं डायग्राम ना भी बना दो, आंखें बंद करके आप बता दो. ठीक है, वो नक्शा पूरा दिमाग में सेट होना चाहिए. अगर एक अच्छा ऑफिसर बनना है तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए नक्शा. कोई भी मिशन के लिए जाओगे तो वहाँ का मैप आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए. प्रैक्टिकली व्हेन यू विल मूव यू विल कम टू नो कि आगे क्या आने वाला है. अच्छा, और इसलिए मैंने कहा कि बेटा हमेशा जब भी हम डायरेक्शन सेंस की बात करेंगे या मैप रीडिंग की बात करेंगे, यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ ऑन द बोर्ड. अगर मैं आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ, या अगर आपके हाथ में वो एटलस है या वो मैप है, तो आपको सोचना है कि मैं उस मैप के ऊपर चल रहा हूँ. देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड डायरेक्शंस प्रॉपरली. नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे. जहाँ पर भी हम ज्योग्राफी में डायरेक्शंस की बात करेंगे, मैं कहूँगा बेटा मैप के ऊपर चढ़ जाओ. ये सोचो कि आप खड़े हो मैप के ऊपर, तब लेफ्ट एंड राइट वाला फंडा आपका क्लियर होने वाला है. ठीक है, अभी हम रिवर्स पढ़ेंगे, कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है. वो फंडा तभी क्लियर हो सकता है जब आप अपने आप को कंसिडर करो ऑन द मैप. अच्छा, मैंने एक चीज़ और बच्चों को कराई थी. एटमॉस्फेयर में मैंने बच्चों को प्रेशर बेल्ट पढ़ाई थी, तो विंड्स का डायरेक्शन बेटा, अगर आप अपने आप को कंसिडर नहीं करोगे तो कभी विंड्स का डायरेक्शन अच्छे से बता सकते हो? बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. राइट लेफ्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स राइट, तो कितना फ्लक्चुएशन था डायरेक्शन में आपने देखा होगा. कभी विंड ऐसे जा रही है, कभी नीचे आ रही है. तो नीचे आएगा तो आपका राइट यहाँ होगा, ऊपर जाओगे तो राइट यहाँ होगा. तो वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. नंबर फोर नेपाल पे आ जाते हैं. नंबर फोर नेपाल. अच्छा, नेपाल के साथ देख लेते हैं कितने. अच्छा, नेपाल के साथ सबसे पहले उत्तराखंड. उत्तराखंड और नेपाल. ठीक है, अच्छा, देर इज़ अ रिवर ऑल्सो विच फ्लोज बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल, एंड द नेम ऑफ दैट रिवर इज काली. एग्जाम का क्वेश्चन है. और एज इट एंटर्स इन इंडिया इट इज़ नोन बाय द नेम शारदा. ठीक है, अभी हम रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे भी. काली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देर इज़ अ ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर इन द कुमाऊँ रीजन ऑफ उत्तराखंड. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिवर सिस्टम. ठीक है,
और रिवर सिस्टम में हम लोग अपने पंच, आप लोग सभी मेजॉरिटी ऑफ यू आर गढ़वालीज, तो पंच प्रयाग के बारे में आप लोगों से मैं पूछूंगा, पंच प्रयाग कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के बाद कौन सा स्टेट है बेटा, ये कौन सा है? यूपी, ठीक है। प्रॉपर स्केल्स में देखना आप बोलोगे सर। फिर ये कौन सा है? बिहार, ठीक है। और फिर ये कौन सा है? हाँ, ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर मैं नेपाल की बात करूँ तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल एंड देन फाइनली सिक्किम। हाउ मेनी स्टेट्स अगेन? फाइव स्टेट्स, ठीक है। प्रॉपर स्केल्स में देखना जरूरी है, पांच स्टेट्स। तो मैं एकदम ऑर्डर से लिखता हूँ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, नंबर फाइव। फिर आ जाते हैं हम किस पे? भूटान पे। फिर आते हैं हम भूटान पे। अच्छा, भूटान, अब मुझे नॉर्थ ईस्ट में अच्छे से आपको बना के दिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो स्टेट्स तो आपको दिख गए भूटान में, दो स्टेट्स कौन कौन से दिख गए? सिक्किम और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी बॉर्डर शेयर करता है बेटा भूटान के साथ। उसके अलावा यू हैव हियर, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे बना लेता हूँ, यू हैव हियर विच इज दिस स्टेट, यू हैव हियर, यू हैव हियर आसाम, ठीक है। इसको आप प्रॉपर स्केल्स में देखना बेटा, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। दिस इज अरुणाचल प्रदेश, दिस इज नागालैंड, दिस इज मणिपुर, दिस स्टेट इज मिजोरम, दिस इज त्रिपुरा, और ये मेघालय। तो आपको कैपिटल्स भी सारी आनी चाहिए इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, ठीक है। दिस आर सेवन सिस्टर्स, ठीक है, सात सिस्टर्स बोलते हैं इन नॉर्थ ईस्ट सेवन स्टेट्स को, यू शुड नो देयर कैपिटल ऑल्सो। तो अभी तो ये प्रॉपर स्केल में नहीं है, लेकिन मैंने आपको पूरी कोशिश करी है सारे बॉर्डर्स दिखाने की। तो मैंने आसाम का बॉर्डर देखा हुआ, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा सा शेयर किया है, तो ये आपको प्रॉपर स्केल्स में देखना जरूरी है बेटा, एटलस रिफर जरूर करना। अच्छा, तो भूटान में आएंगे तो भूटान में देखते ले रहे हैं कितने स्टेट्स हैं, एक तो सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा आसाम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। हाउ मेनी स्टेट्स? फोर। तो भूटान में फोर इंडियन स्टेट्स, ठीक है, ऑर्डर से लिखेंगे, फोर इंडियन स्टेट्स। सबसे पहले सिक्किम, देन वी हैव वेस्ट बंगाल, देन वी हैव आसाम एंड देन फाइनली वी हैव अरुणाचल प्रदेश, ARPR लिखूंगा मैं इन शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं म्यांमार पे, दिस इज म्यांमार, नंबर सिक्स इज म्यांमार। अच्छा, म्यांमार में कितने अगर आप नोटिस करोगे, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, सो बैक टू बैक हाउ मेनी स्टेट्स? फोर स्टेट्स, फोर। बेटा ये आया है, हाँ, CDSE के एग्जाम में आया है। मैंने कहा था बच्चों से कि यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाया था, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिखा था और आपसे इन स्टेट्स के नाम पूछे थे, तो याद रखना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बच्चों के लिए यही रहता है ना, तो आपने इसको इतना देख लेना है कि आप यूज्ड टू हो जाओ बेटा नॉर्थ ईस्ट के मैप के साथ, ठीक है। तो ऑर्डर से लिखेंगे, सबसे पहले ARPR अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, देन मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, फिर मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल आइजोल, एंड द लास्ट स्टेट इज, सॉरी, एंड द लास्ट नेबरिंग कंट्री इज बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी कितने बेटा, कितने? फाइव लिख दिया मैंने फाइव लिख दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश, बगल में क्या है? वेस्ट बंगाल, फिर दूसरे नंबर में क्या है? असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर कितने स्टेट्स? इसलिए प्रॉपरली देखना जरूरी है बेटा प्रॉपर स्केल्स में, ठीक है, वो दिमाग में सेट होना चाहिए आप। तो अगर मैं ऑर्डर से बात करूँ तो सबसे पहले आई टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, देन आई टॉक अबाउट आसाम, आसाम के बाद मेघालय, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? शिलोंग, ठीक है, फिर त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, एंड फाइनली मिजोरम। सो हाउ मेनी स्टेट्स? फाइव। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है बच्चों से, ये तो आपको ज्योग्राफिकली सारा आना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये भी पूछा गया है
कि कौन सी नेबरिंग कंट्री है जो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ. सो अगेन द आंसर इज बांग्लादेश. अच्छा नॉट अगेन, वो तो हम कोस्टल एरियाज पढ़ रहे थे, तो बांग्लादेश इज द राइट आंसर. बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे बड़ा. आप बोलोगे सर कैसे, बांग्लादेश का बॉर्डर तो इतना छोटा सा लग रहा है बेटा. तो आप याद रखना अगेन, बांग्लादेश का बॉर्डर ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, एंड इफ यू विल स्ट्रेच इट तो ये 4000 किलोमीटर से भी लंबा है. इंडिया की लेंथ नहीं है 4000 किलोमीटर, इंडिया की लेंथ कितनी है, नियरली 3000 किलोमीटर, 3000 ये एग्जैक्टली अगर आप बोलोगे तो 3214 किलोमीटर. बट अगर आप इस बॉर्डर एरिया को स्ट्रेच करोगे तो इट इज़ मोर देन 4000 किलोमीटर. तो बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे लॉन्गेस्ट है, याद रखना. ठीक है, तो लिख लेता हूँ, बांग्लादेश शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया. ठीक है, रेड से लिख लेता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद नंबर टू कौन सा है ये आपको बताना है, ढूंढना है. और नंबर थ्री कौन सा है, तो बांग्लादेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, मोर देन 4000 किलोमीटर, मोर देन 4000 किलोमीटर. आप एग्जैक्ट भी देख सकते हो, 4000 समथिंग है. ठीक है, एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे, बट ये पूछ सकता है कि सबसे लंबा बॉर्डर कौन सी कंट्री का है. एनी डाउट? राइट.